हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में, और ऐसे कुछ ब्लेंडिंग टूल्स जो 100 रुपीज़ के अंदर आ जाते हैं इजीली, एंड हर एक बिगनर के पास होने ही चाहिए। वो नेसेसरी है एंड हर एक बिगनर के पास वो होने ही चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कौन सा ब्लेंडिंग टूल कहाँ पर यूज़ करना है एंड किस कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो शेडिंग तो गाइस हर कोई कर लेता है, एंड शेडिंग तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जो मेन चीज़ है वो है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग करने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, एंड ब्लेंडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए कि कहाँ पर लाइट करना है, कहाँ पर डार्क करना है। तो ये चीज़ मैं आपको पूरी बताऊँगी इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली ना, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइज हमारे पास यहाँ पर कुछ है पेपर स्टम्प, एंड मैं ब्रश और इसका यूज़ ज़्यादा करती हूँ, और ये आपको चीप मिल भी जाते हैं इजीली मार्केट में। ये मुझे कुछ 90 रुपीज़ में पड़े थे उस टाइम, अभी कुछ 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे इजीली आपके स्टेट सिटी में। और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इससे कैसे ब्लेंडिंग होती है। तो ये कुछ 6 का पैक आता है, यहाँ पर 6 है मेरे पास, और इसमें कोई कंपनी वगैरह नहीं होती है यहाँ पर, जैसे आपको कुछ लिखा नहीं है। ब्रिस्टो की आती है, बट वो शायद महंगी आती है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब आते हैं ब्रश। तो मेरे पास यहाँ पर पेंटिंग ब्रश है, जो यूजुअली हम पेंटिंग में यूज़ करते थे पहले। ये आपके घर पे होगा अगर आप बचपन में पेंटिंग वगैरह करते होंगे, तो ये आपके पास होगा, नहीं तो मार्केट में इजीली ये कुछ मिल जाएगा 10 रुपीज़ के आसपास, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है ब्लेंडिंग करने के लिए। हम इसको भी यूज़ करते हैं हेयर्स और बियर्ड में यूज़ करते हैं इसको, एंड इसको यूज़ करते हैं फेस की और बाकी क्लोथ्स की ब्लेंडिंग के लिए। और कुछ जो बड़े पार्ट्स होते हैं उसके लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं या फिर कॉटन का यूज़ करते हैं। कॉटन और टिश्यू पेपर हमेशा बड़े पार्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड ब्लेंडिंग स्टम्प से क्या ऐसे पतले पतले और छोटे भी होते हैं, तो हम स्मॉलर पार्ट्स के लिए इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये है ईयरबड। ये हर किसी के घर में होता है अवेलेबल गाइस, तो इसका इजीली आप यूज़ कर सकते हो छोटे पार्ट्स के लिए। तो ये आपको 100 रुपीज़ में भी नहीं पड़ेगा ये सब कुछ, तो आप इजीली इससे कर सकते हो ब्लेंडिंग। अगर आप और थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हो मतलब रेट्स में, तो आप ये अफोर्ड कर सकते हो। ये मेरे पास मेकअप ब्रश है, मुझे कुछ 70 रुपीज़ में पड़ा था। अगर आप ये कर सकते हो अफोर्ड तो कर लेना, नहीं तो आप पेंटिंग ब्रश से भी कर सकते हो, इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहले इसी का यूज़ करना। बहुत सारे आपको महंगे महंगे मटेरियल्स लाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास भी चीप मटेरियल्स ही थे पहले, एंड मैं उसी से पेंटिंग करती थी, पूरी ड्राइंग उसी से करती थी। तो ये काफ़ी अच्छा, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो बस यही कुछ मेरे पास ब्लेंडिंग टूल्स हैं, एंड मैं अब इसको यूज़ करके बताती हूँ किसका कहाँ पर यूज़ होता है एंड कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शेड करके बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पर अप्सरा की 2B पेंसिल है, ये भी काफ़ी चीप है मेरे पास, तो मैं इससे शेड करके बताती हूँ आपको, एंड उसके बाद ब्लेंड करूँगी। तो अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके बताती हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए। हमें सिंपली इसको बहुत लाइट लाइट शेड ब्लेंड करना होता है, एकदम ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई नहीं करना हमको। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंड हुआ है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लेंड हुआ है। अब मैं ऐसे ही आपको ब्रश के साथ भी ब्लेंड करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम शेड कर लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर पेंटिंग ब्रश है, एंड इससे ब्लेंड करके बताती हूँ मैं।
थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसको ब्लेंड करने के लिए। तो ये हो चुका है हमारा ब्रश से ब्लेंड, एंड जैसे कि आपको दिख रहा होगा थोड़े बहुत टेक्सचर्स दिख रहे हैं इसमें। रुको मैं आपको जूम करके बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पर रफ पेपर है इसलिए आपको थोड़े बहुत यहाँ पर टेक्सचर दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करा था तो थोड़े बहुत टेक्सचर्स दिख रहे हैं। बट अगर आप रियल में देखोगे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हुई है, एंड इससे नहीं हुई है ब्रश से, ब्लेंडिंग स्टम्प से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हुई है। ब्रश से तो हमें फिर भी स्ट्रोक्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत। तो अब मैं टिश्यू पेपर और कॉटन से भी ब्लेंड करके बताती हूँ आपको। तो वही हम पहले शेड कर लेंगे। तो अब सबसे पहले मैं कॉटन से ब्लेंड करके बताती हूँ आपको। यहाँ पर मेरे पास कॉटन है, तो ये देखो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, एकदम स्मूथ शेडिंग हुई है। बट ये बड़े पार्ट्स के लिए होता है, अगर आप छोटे पार्ट्स में करने जाओगे तो वो फैल जाएगा बाहर की साइड, तो आप छोटे पार्ट्स में नहीं कर सकते हो, इसको आप बड़े पार्ट्स में ही कर सकते हो। तो अब मैं टिश्यू पेपर से भी आपको करके बताती हूँ। तो टिश्यू पेपर को ऐसे कुछ पकड़ लेना है, कुछ ऐसे शेप बना लेना, उसके बाद इससे ब्लेंडिंग करना। तो ये भी आप बड़े पार्ट्स में यूज़ कर सकते हो, इसको भी आपको बड़े पार्ट्स में यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखो इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हुई है, बिल्कुल भी टेक्सचर्स नहीं दिख रहे हमको, बिल्कुल भी टेक्सचर्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। इसमें आपको ज़्यादा टेक्सचर्स दिख रहे होंगे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करने पर वो रफ पेपर है इसलिए आपको दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क शेड किया है, मैं इसको लाइट शेड करके भी बताती हूँ आपको। तो ये देखो कितनी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हुई है, बिल्कुल भी स्ट्रोक्स नहीं दिख रहे हमारे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कहाँ पर कौन सा ब्लेंडिंग टूल यूज़ करना है आपको, जो कि हर एक बिगनर कंफ्यूज होता है। तो ये हमने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है, यहाँ पर ब्रश का, यहाँ पर टिश्यू पेपर और यहाँ पर कॉटन। तो अब हमें ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ फेस के लिए, मतलब मैं यूजुअली इसके लिए यूज़ करती हूँ फेस के लिए, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके लिए ये जो छोटा वाला ब्लेंडिंग टूल है, ब्लेंडिंग स्टम्प है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छे से यूज़ होता है। छोटे छोटे पार्ट्स को हम कर सकते हैं इससे ब्लेंड, तो ये फेस के लिए यूज़ कर सकते हो आप। एंड आइज़ के लिए गाइज आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये इससे भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इस पे भी होती तो कॉटन ही है तो अच्छे से ही ब्लेंड होगा। ये देखो इससे भी कुछ अच्छे से ब्लेंड हो गया है हमारा। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, कौन सा ब्लेंडिंग टूल यूज़ करती हूँ, एंड एज अ बिगिनर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो फेस, आइज़, जो ये सब पार्ट्स होते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग स्टम्प का, एंड ब्रश का यूज़ आपको करना है हेयर्स, बियर्ड,
हेयर्स और बियर्ड में कभी भी गाइस ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ मत करना। ब्लेंडिंग स्टम्प, कॉटन, टिश्यू पेपर, इनका यूज़ कभी मत करना। नहीं तो क्या होता है, आप जैसे स्ट्रोक्स लगाते हो ना हेयर्स में, हेयर्स और बियर्ड में स्ट्रोक्स लगा के करना होता है हमको, तो वो स्ट्रोक्स अगर आप इससे करोगे तो वो बिल्कुल रब हो जाएंगे, बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा। तो हमें तो टेक्स्चर दिखाना होता है हेयर्स में, तो वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता। अगर आपको रियलिस्टिक बनाना है तो ब्रश में, ब्रश का यूज़ हमेशा हेयर्स और बियर्ड में करना, कभी भी ब्लेंडिंग स्टम्प का मत करना यहाँ पर यूज़। और टिश्यू पेपर और कॉटन का यूज़ आप कर सकते हो क्लोथ्स में, बैकग्राउंड में। तो यहाँ बड़े बड़े पार्ट्स के लिए आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो, बट छोटे पार्ट्स के लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते। एंड ईयरबड का यूज़ आप आईज़ के लिए या और भी छोटे पार्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, फेस के लिए भी कर सकते हो। अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप ईयरबड का यूज़ करना आईज़, फेस, इन सब के लिए। तो कुछ यही था आज की वीडियो में, मैंने पूरा आपको अच्छे से करके बता दिया किससे कैसी ब्लेंडिंग होती है। तो गाइस पेपर पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका पेपर रफ है या स्मूथ है उसके हिसाब से आपको ब्लेंडिंग और शेडिंग करनी होती है। जैसे कि रफ़ पेपर पे आप शेडिंग करोगे तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब 2B पेंसिल भी बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगी। तो पर्सनली मैं टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ब्रश और ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करती हूँ। मैं ईयरबड का भी यूज़ नहीं करती आजकल, मैं पहले करती थी, बट अब जब से मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प खरीदे मैं इसी का यूज़ करती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हो जाती है और थोड़ी डार्क शेडिंग भी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा मटेरियल है एंड आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल भी होगा। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके जो नियरेस्ट जो स्टेशनरी शॉप हो आप वहीं से जाकर लेना, उससे आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ ज़्यादा करना, ब्रश का यूज़ करना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ करना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप पेंटिंग ब्रश का भी यूज़ कर ही सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।